हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिक सर्किट। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड, आज हम लोग बनाने वाले हैं ये लैपटॉप बैटरी से एक लिथियम बैटरी पैक 12 वोल्ट का। मतलब इस लिथियम बैटरी से एक 12 वोल्ट का बैटरी बना के आपको दिखाऊंगा फ्रेंड। तो यहाँ पे एक BMS का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि BMS सर्किट है, जिससे सारे बैटरी को चार्ज होगा और डिस्चार्ज भी एक्यूरेट होगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे B- B+ और B1 और B2 करके यहाँ पे लिखा हुआ, और P+ P- मतलब पावर आउटपुट आपको इसमें मिलेगी। जैसे कि ये सर्किट डायग्राम दिखाया गया है फ्रेंड, इस सर्किट डायग्राम के अनुसार ही आपको कनेक्शन करनी है। जैसे कि B- बैटरी का B- में गया और B+ बैटरी का B+ में गया। उसके बाद B1 और B2 जो है बैटरी का माइनस के तरफ से, जो बैटरी का प्लस है वहाँ पे B1 लग गया। उसके बाद सेकंड जो है उसकी लाइन बाय में P2, जो कि सर्किट डायग्राम में दिख रहा है, वहाँ पे B2 का कनेक्शन हो गया। सेम कुछ इस तरीके से कनेक्शन करना है, बाकी आउटपुट जो आपका P- और P+ के थ्रू आपको आउटपुट आपको मिल जाएगी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इसको सारे चीज़ को कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो है लिथियम बैटरी 6 लिया हूँ, लगभग 4000 mAh का ये हमारा 12 वोल्ट बैटरी पैक बनेगी। यहाँ पर छोटा सा बैटरी 6 वोल्ट का बैटरी है, जिसका डब्बा को मैंने कटिंग करके और ये सारे जो इसकी थी लिथियम सेल जो थी उस सेल को मैंने निकाल दिया हूँ, और यहाँ पे इसी डब्बा के अंदर मैं फिट करूँगा ताकि अच्छा देखने में लगे और एक यूनिक ही मज़ा आए देखने में। तो चलिए फ्रेंड, ये दोनों बैटरी को पैरेलल में जोड़ते हैं और फिर सीरीज में करेंगे, जैसे कि सर्किट डायग्राम आपको दिखाया। तो चलिए इस बैटरी को पैरेलल में जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड, सब बैटरी को पैरेलल में जोड़ने से पहले सभी बैटरी का वोल्टेज एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो ये बैटरी का वोल्टेज 3 कुछ दिख रहा है, लगभग जितना भी बैटरी आप इसमें कनेक्ट करेंगे वो सारे बैटरी का कनेक्शन वोल्टेज जो है सेम होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, अपने सारे बैटरी का वोल्टेज को चेक कर रहा हूँ और देखिए हमारा सारा बैटरी का वोल्टेज सेम है। चलिए फ्रेंड, इसको बैटरी के दोनों को पैरेलल कनेक्शन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपको जोड़ के दिखा दें। कुछ इस तरीके से कॉपर के वायर की मदद से आप यहाँ पे सोल्डरिंग कर सकते हैं और दोनों को पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए सारे बैटरी को पैरेलल कनेक्शन कर लेते हैं, माइनस को माइनस में, प्लस को प्लस में, जैसे कि मैंने यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। एक्यूरेट आप समझ जाएं और कोई मिस्टेक ना हो। अगर गलती से आप माइनस प्लस में जोड़ देंगे तो आपका जो है बैटरी दिक्कत हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा गलती हो जाए तो लिथियम बैटरी है, आग लग सकती है। तो सावधानी पूर्वक इस काम को आप करें। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे प्लस का प्लस में जोड़ेंगे, ताकि पैरेलल कनेक्शन है, पहले कनेक्शन का प्लस में और माइनस का माइनस में ही जुड़ता है फ्रेंड। और सीरीज में जब जोड़ेंगे तो माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में, जो कि मैं सर्किट डायग्राम में आपको दिखा चुका हूँ, सेम कुछ उसी तरीके से कनेक्शन करनी है। तो चलिए सारे बैटरी को पहले कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सारा हमारा जो है पहले कनेक्शन हो चुका है बैटरी का, और यहाँ पे आप सब बैटरी को सीरीज में जोड़ेंगे। जैसे कि ए नेगेटिव पॉइंट को मैंने जोड़ लिया हूँ, और ए नेगेटिव पॉइंट जो है
कुछ इस तरीके से तार नाप लेंगे जो कि अंदर से आपका जो है तार का कमी ना हो, और नेगेटिव को यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव में जुड़ेगी फ्रेंड, तो पॉजिटिव में जोड़ेंगे जिससे कि सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में जोड़ेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो है मिस्टेक है वीडियो में फ्रेंड, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा और मैं आपको यहाँ पे सही से जोड़ के दिखाऊँ, मतलब जो सर्किट डायग्राम है उसी तरीके से जोड़ना है। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा वीडियो में मिस्टेक हो चुका था तो मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया, फिलहाल मैं उसका भी चेंज करके दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, और देखिए माइनस को प्लस में जोड़ दिया, और नेगेटिव इसका नेगेटिव, इस बैटरी का पॉजिटिव में जुड़ेगा फ्रेंड, जिससे कि सर्किट डायग्राम में आपको दिखा दिया हूँ। तो चलिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग गया, ये बैटरी का यहाँ लग गया, तो उसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव में जुड़ गया, और ये पॉजिटिव में हमने जोड़ दिया। तो सेम एक सीरीज कनेक्शन करना, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव करके आपको यहाँ पर जोड़ना है, और आपका जो है जो बैटरी का 3 वोल्ट करके, तो 9 वोल्ट आपका 9 से 10 वोल्ट 12 वोल्ट तक आपका वोल्टेज मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं माइनस पॉइंट को, और बीमर सर्किट में भी इसको कनेक्ट करेंगे फ्रेंड। तो माइनस पॉइंट हमने निकाल लिया और रेड पॉइंट को भी कटिंग कर लिया, और प्लस पॉइंट को भी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो बहुत ही मस्त क्वालिटी का बैटरी बनने वाली है एक इमरजेंसी लाइट जलाने के लिए, और सोलर एनर्जी से भी इसको आप इजीली चार्ज कर सकते हैं, और चार्ज करके इसको इजीली आप चला सकते हैं फ्रेंड। ज़्यादा टाइम नहीं लेती चार्ज होने में, आधा से 1 घंटा के अंदर ही आपका फुल चार्ज हो जाएगी, या 1 से 1.5 घंटा के अंदर, और नॉर्मली बैटरी बैकअप भी अच्छा खासा दे देगी फ्रेंड होम यूज के लिए। और चलिए फ्रेंड यहाँ पे 2 वायर और लेंगे जो कि B1 और B2 के लिए, तो ये सारे वायर को भी लेके और सारे को कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड B1 B2 भी ले लिया, बट यहाँ पे B+ का B+ में जोड़ देते हैं, और B- में जुड़ेगी, जिससे कि यहाँ पे बैटरी वाली है B- को B- में, यहाँ पे सर्किट डायग्राम में आपका जुड़ा हुआ फ्रेंड, तो B- को B- में जोड़ लेते हैं फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं B- को B- में, अब बच गया हमारा जो फ्रेंड 2 वायर है B1 और B2। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए माइनस की तरफ से प्लस वाली पॉइंट में, तो माइनस की तरफ से प्लस वाली पॉइंट में यहाँ पे हम लोग लेंगे B1, जैसे कि ये बैटरी का प्लस है, माइनस की तरफ से प्लस आ रही है और प्लस की तरफ से माइनस आ रही है, तो आप एक यहाँ पे माइनस की तरफ से समझे, माइनस की तरफ से जो प्लस वाली पॉइंट है इसमें कनेक्ट करेंगे, जैसे कि सर्किट डायग्राम में हूबहू दिखाया जा रहा है फ्रेंड। तो चलिए एक कनेक्ट कर लिया हूँ, और इसको B1 में लगा देते हैं फ्रेंड, इजीली आप इसको कनेक्शन कर पाएंगे। और आपको जो मेन ध्यान रखना फ्रेंड, बैटरी जो है एक्यूरेट सारा बैटरी चार्ज होनी चाहिए, उसके बाद ही जो आपका बीमर सर्किट काम करेगी फ्रेंड, नहीं तो कोई कोई प्रॉब्लम होती है चार्जिंग प्रॉब्लम में। तो चलिए फ्रेंड B2 को भी सेकंड बैटरी का B+ में जोड़ना है, जैसे कि यहाँ पे सर्किट डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है हमने कनेक्शन कर लिया हूँ, और फ्रेंड जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और हमारा जो है सपोर्ट करें, ताकि हमारा चैनल और ही ज़्यादा ग्रो हो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिले। तो फ्रेंड यहाँ पे B2 में भी हमने इसको सोल्डिंग कर लिया हूँ, और हमारा जो अभी बहुत ही छोटा चैनल है और ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, और हमको कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी नहीं आती फ्रेंड, तो इसीलिए मेरा सपोर्ट करेंगे तो हमारा मोटिवेशन मिलेगा, और मैं इससे भी अच्छा से वीडियो बना के आपको दिखा पाऊँगा फ्रेंड। तो चलिए यहाँ 2 वायर को जोड़ लेते हैं फ्रेंड, जो कि P+ और P- का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और लाइक कमेंट और एंड सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद ही आप दूसरे को शेयर करना है या नहीं करना है,
वो आपकी मर्जी है, और सब्सक्राइब भी आपकी मर्जी है। हम मेरा तो वीडियो बना कर दिखाना काम था, मेरा तो एक इंटरेस्ट है ये सब काम में, तो इसलिए मैंने इसको किया हूँ और वीडियो बना के आपको दिखा हूँ। ऐसे इस काम में लगभग करने के लिए कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता है इस टाइम में। मेरा एक इंटरेस्ट है, जिस इंटरेस्ट के कारण मैं इस काम को आपको करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड। तो आपका भी अगर इंटरेस्ट है तो ये सब को काम करिए, नहीं तो आपको ये सब काम करने में नुकसान ही आपका होगा। अगर आप भी ये सब काम करते हैं तो हमें बहुत सारे वीडियो बना के दिखाऊंगा इंटरेस्टिंग, लेकिन बट वो सब में पैसे का नुकसान है। अगर आपको इंटरेस्ट है बनाने का तो आप बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। लेकिन ऐसा में पैसा का जो नुकसान बहुत ही ज़्यादा होती है फ्रेंड। तो मैं जो एक्यूरेट जो बातें थी मैंने कुछ बता दिया आपको। अभी हमारा जो है बैटरी कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको चला के दिखाऊंगा। और हमने बहुत सारा पैसा बर्बाद किया हूँ ये सब काम में, लेकिन एक सीखने के लिए बर्बादी ज़रूरी होती है फ्रेंड। अगर सीखना है तो आपको बर्बाद करना पड़ेगा फ्रेंड, ऐसे आप कभी सीख नहीं पाओगे। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे बैटरी को मैंने पिक कर लिया हूँ। और ये भी बीमा सर्किट बहुत दिन से मंगा कर रखा था, कुछ कारण बस हमने नहीं बना पाए थे, लेकिन आज मुझे लगा कि लैपटॉप बैटरी भी मिल चुकी है और इसको अच्छा तरीके से बना लें, तो हमने इसीलिए इस चीज़ को किया हूँ। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको यहाँ पे चेक करके भी आपको दिखाऊंगा फ्रेंड। तो प्लीज़ फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके लिए और आपकी पसंद। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे प्लस को प्लस में जोड़ लेते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव पॉइंट में जोड़ लेते हैं फ्रेंड। उसके बाद जो हमारा फ्रेंड बैटरी कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको सारी चीज़ इसमें चेक करके दिखाऊंगा। एक ब्लोअर फैन है वो भी चेक करके दिखाऊंगा और एक्यूरेट आपको जो हाई स्पीड और पूरी तरीके से टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो चलिए बैटरी हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए फ्रेंड आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। देखिए 10 वोल्ट के आसपास आ रही है, बैटरी भी हमारा जो है चार्ज नहीं है, फिर भी मैं आपको चला के दिखाते हैं। ये हमारा ब्लोअर फैन है, अगर ये फैन चाहिए तो आपको मिल जाएगा फ्रेंड 500 के आसपास में। अगर चाहिए तो कमेंट नाउ और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और नहीं है तो कॉमेंट करें और कॉमेंट के थ्रू मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन बहुत ही मस्त ब्लोअर है, 450 के अंदर मैं आपको दे दूंगा। और फ्रेंड यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट का लाइट है, इसको जला के दिखाते हैं फ्रेंड। बहुत ही मस्त क्वालिटी का लाइट है ओसवाल का। और देखिए फ्रेंड, लाइट भी हमारा जो है बहुत ही फर्स्ट क्लास जल रही है फ्रेंड, और बहुत ही अच्छा लगा बैटरी को बना के। बहुत ही छोटा मैं और बहुत ही किफ़ायती, बहुत ही छोटा मैंने बनाया हूँ, और कहीं भी लेके जा सकते हैं फ्रेंड, अपना ठेला वेला कहीं पर भी आप अपने लिए यूज कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले